Hello everyone, myself Abhijit Das, welcoming you all on today's online session for Accountancy Standard 12, Chapter number 6, Retirement of a Partner. Till now we have solved up to question number 6 and hope so that you have understood the sum very well and you have even practiced the sum which I have given you by changing the figures of the sum. So now coming to question number 7, as we can see, first of all the adjustments are given. So let us go through the adjustment once again. Vijay, Lakshmi and Siddhi are partners sharing profit and loss in the ratio of 5-3-2. Siddhi retired. मतलब इसका ratio 2 है वो retirement ले रही है on 1-4-16. Terms of retirement war is under. New profit and loss sharing ratio of Vijay and Lakshmi is 2:3. तो पहले एक काम करते हैं ना, हम लोग पहले वो find कर ही लेते हैं gain ratio. तो gain ratio की formula क्या है? New ratio minus old ratio. New ratio क्या है? 2/5. Old क्या है? 5/10. 2/5 minus 5/10. LCM 10 हो जाएगा. तो 2 2 4 4 माइनस 5, तो ये तो माइनस 1/10. मतलब इसने अब सेक्रीफाइस कर लिया विजय ने, ठीक है. लक्ष्मी 3/5 माइनस 3/10, तो 3 2 6 6 माइनस 3, ओके दैट इज 3/10. तो यहाँ पे सिर्फ लक्ष्मी ने गेन किया. तो जर्नल एंट्री अगर पास होगी तो एंट्री क्या आएगी? लक्ष्मी अकाउंट डेबिट टू विजय अकाउंट एंड टू सिद्धि अकाउंट. अब ऐसा हो जाएगा बिकॉज विजय ने भी सेक्रीफाइस किया है. ओके, गुडविल सेकेंड पॉइंट में तुमको दिया गया है. गुडविल पूरे फॉर्म की है 60,000. सिद्धि का हिस्सा कितना उसमें से? 2/10 मतलब 12,000. ओके, अब मुझे एंट्री पास करनी है. चलो एंट्री पास करे, पहले लिख दो, वर्किंग में लिख दे पहले गुडविल ऑफ सिद्धि 60,000 मल्टीप्लाई बाय 2/10. 60,000 मल्टीप्लाई बाय 2/10 12,000. गेन रेशियो फाइंड कर ले. विजय का आएगा माइनस 1/10 और लक्ष्मी का आ गया 3/10, है ना. एंट्री पास करें. लक्ष्मी अकाउंट डेबिट टू विजय अकाउंट टू सिद्धि अकाउंट. लक्ष्मी के सामने लिख दो 18,000. कहाँ से 18,000? 60,000 मल्टीप्लाई बाय 3/10. लक्ष्मी का 18,000. विजय के सामने लिख दो 6,000. 60,000 इंटू 1/10 6,000. और सिद्धि के सामने लिख दो 12,000. मतलब लक्ष्मी को पे करना पड़ेगा विजय और सिद्धि दोनों को अब. ओके, एंट्री पास करे. कम टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट साइड. पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट साइड टू विजय कैपिटल अकाउंट ब्रैकेट में गुडविल. टू विजय्स कैपिटल अकाउंट ब्रैकेट में गुडविल. लक्ष्मी के कॉलम में 6,000. टू सिद्धिस कैपिटल अकाउंट ब्रैकेट में गुडविल. लक्ष्मी के कॉलम में 12,000. क्रेडिट साइड पे बाय लक्ष्मी कैपिटल अकाउंट विजय में 6,000. सिद्धि में 18,000. नेक्स्ट, मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज 40,000. सिद्धि विल टेक ओवर इन्वेस्टमेंट एट दिस वैल्यू. इन्वेस्टमेंट कितने की दिख रही है? 60,000. फंड है, हाँ 15,000 का फंड है सामने. ओके, इन्वेस्टमेंट कौन लेके गई? सिद्धि. कितने में? 40 में. लिखो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट साइड टू इन्वेस्टमेंट. सिद्धि के कॉलम में 40,000.
पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट साइड टू इन्वेस्टमेंट सिद्धि के कॉलम में 40,000, ओके। अब 60 का इन्वेस्टमेंट 40 में लेके गए, 20 का मुझे लॉस हुआ, सामने फंड में 15,000 ही अवेलेबल है, अभी भी 5,000 का मुझे लॉस है, अभी भी मुझे 5,000 का लॉस है। लिख दो रिवेल्यूशन अकाउंट के डेबिट साइड टू इन्वेस्टमेंट 5,000, फंड कम पड़ गया लॉस ज़्यादा है, रिवेल्यूशन अकाउंट के डेबिट साइड टू इन्वेस्टमेंट 5,000। ओके नेक्स्ट, ₹3,000 टू बी रिटर्न ऑफ फ्रॉम डेटर्स एंड 5% बैड डेट रिजर्व इज टू बी मेंटेन। डेटर्स लिखो एसेट्स में, डेटर्स इनर कॉलम 23,000, माइनस बैड डेट 3,000, इनर कॉलम में 20,000, माइनस BDR 1,000, आउटर कॉलम में 19,000, ओके। अगर आप देखें यहाँ पे बैड डेट 3,000, BDR 1,000, तो हो गया 4,000, दिया भी 4,000 ही है, तो कोई फर्क पड़ा नहीं, सिर्फ लिखने का तरीका चेंज हो गया, तो इसकी कोई दूसरी इफेक्ट मुझे पास करने की रिक्वायरमेंट यहाँ पे नहीं है, ओके। नेक्स्ट, वैल्यू ऑफ स्टॉक सोन इन द बुक्स इज ऑफ ₹1,000 मोर देन इट्स कॉस्ट, ₹1,000 का स्टॉक ज़्यादा दिख रहा है, बढ़ा के दिख रहा है, तो अब मुझे कम करना पड़ेगा, कॉस्ट पे लिखना पड़ेगा, तो मतलब मुझे स्टॉक में लॉस हुआ। लिखो रिवेल्यूशन में डेबिट साइड टू स्टॉक 1,000, रिवेल्यूशन डेबिट साइड टू स्टॉक 1,000, असेट साइड स्टॉक 34,000, नेक्स्ट क्लेम ऑफ 7,000 एक्सेप्टेड फॉर वर्कमैन कंपेंसेशन, क्लेम दिया है 17,000, 7,000 की रिक्वायरमेंट है, लिखो लायबिलिटीज में वर्कमैन कंपेंसेशन क्लेम 7,000, वर्कमैन कंपेंसेशन क्लेम 7,000, ₹17,000 का 7,000 ही चाहिए, 10,000 बच गए, डिस्ट्रीब्यूट कर दो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट साइड पर बाय वर्कमैन कंपेंसेशन फंड, पार्टनर्स को आपको 532 में 10,000 को लिख दो, 5,000, 3,000, 2,000, 5,000, 3,000, 2,000, नेक्स्ट ₹12,000 टू बी पे टू सिद्धि इमीडिएटली, उसको ₹12,000 मुझे ऑन द स्पॉट पे करना है, ओके। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में डेबिट साइड टू कैश अकाउंट सिद्धि में 12,000, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट साइड टू कैश अकाउंट सिद्धि कॉलम में 12,000, सेकेंड इफेक्ट कैश बैंक अकाउंट में क्रेडिट साइड बाय सिद्धिस कैपिटल 12,000, ओके लेट अस ट्रांसफर देन, कैपिटल अकाउंट्स पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्रेडिट साइड पे लिख दे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, विजय में 85,000, लक्ष्मी में 64,000, सिद्धि में 71,000, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड ऑलरेडी खत्म हो चुका है, वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व हो चुका है, क्रेडिटर्स लिख दो लायबिलिटीज में 56,000, क्रेडिटर्स लायबिलिटीज में 56,000, प्रोविडेंट फंड लायबिलिटीज में 42,000,
लैंड बिल्डिंग एसेट्स में 1,30,000, मशीनरी एसेट्स में 70,000, इन्वेस्टमेंट तो सीधी लेके जा चुकी है, स्टॉक हो चुका है, डेटर्स वाला हो चुका है, कैश कैश बैंक अकाउंट में डेबिट साइड टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 36,000, ओके क्लोज करते हैं, क्लोज करो पहले रीवैल्यूएशन अकाउंट को, आई होप सो अब आपका डेबिट ज़्यादा आएगा क्रेडिट कम आएगा। अब मैं आप क्लोजिंग बोल देता हूँ कैसे करना है, मैंने दो सम को क्लोजिंग करवा दिए, आई वांट यू पीपल टू सॉल्व एंड क्लोज दिस पर्टिकुलर सम, सुन लो ध्यान से, आपका डेबिट अगर ज़्यादा है ओके बाय चांस आपका डेबिट ज़्यादा है ओके सो टोटल लग करो दोनों तरफ, जो भी बचे का बैलेंस वो क्रेडिट में लिख देना बाई पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट विजय लक्ष्मी सिद्धि में, उसको डिस्ट्रीब्यूट यहाँ पे कर देना, अगर लॉस है तो, लॉस है तो क्रेडिट में आएगा, प्रॉफिट है तो डेबिट पे आएगा, ठीक है। तो अगर क्रेडिट में आया बाई चांस, मुझे लगता है लॉस ही होएगा, क्रेडिट में आएगा उसको ट्रांसफर कर देना पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में डेबिट साइड पर, उसको क्लोज कर देना पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में डेबिट साइड पर टू रीवैल्यूएशन अकाउंट लिख के ब्रैकेट में लॉस डिस्ट्रीब्यूट कर देना। उसके बाद जो पार्टनर जा रही है, जैसे सिद्धि जा रही है तो सिद्धि को क्लोज करना, सिद्धि का क्रेडिट प्लस करना, ठीक है वो ज़्यादा ही आएगा, दोनों टोटल में वो लिख देना, उसमें से डेबिट के फिगर माइनस करना, माइनस करने के बाद जो पैसा बाकी का बचेगा उसमें लिख देना टू लोन, जो पैसा बाकी का बचेगा उसमें लिख देना यहाँ पे टू लोन, ठीक है। जैसे आप लोन यहाँ पे लिख दोगे ओके वो लोन की अमाउंट ट्रांसफ़र कर देना लायबिलिटीज़ में, लोन ऑफ सिद्धि या सिद्धिस लोन लिख के, क्लियर। फिर रिमेनिंग दोनों पार्टनर्स को, विजय और लक्ष्मी को क्लोज करना है, उनका भी क्रेडिट ही ज़्यादा होगा, उनका भी क्रेडिट ही ज़्यादा होगा ओके, वो ट्रांसफ़र कर देना उनका क्रेडिट साइड, डेबिट साइड पर उन दोनों का बचेगा बैलेंस कैरिड डाउन, डेबिट साइड पर दोनों का बचेगा बैलेंस कैरिड डाउन ओके। करने के बाद जो भी बैलेंस कैरिड डाउन दोनों का अमाउंट बचता है वो आप ट्रांसफ़र कर देना लायबिलिटीज़ में एज ए कैपिटल विजय एंड लक्ष्मी ओके, बैलेंस कैरिड का अमाउंट वहाँ पर ट्रांसफ़र कर देना। एंड उसके बाद आफ्टर दैट कैश को क्लोज करना, ठीक है, कैश में भी डेबिट ज़्यादा होगा क्रेडिट कम होगा तो उसका भी बैलेंस कैरिड डाउन का अमाउंट आपके पास आएगा, उसको आपको ट्रांसफ़र कर देना है वन सेकेंड एसेट्स में कैश बैंक लिख के, और फिर से हमको क्लोज यहाँ पे कर देना है। क्लियर विद दैट, आई होप सो आपके लिए ईजी है, आप उसको ईजिली यहाँ पे सॉल्व यहाँ पे कर पाएंगे, आई होप दैट सो कर लेना आप सॉल्व यहाँ पे। मैं आपको फिगर्स चेंज करवा देता हूँ एक बार, ओके चेंज द फिगर्स देन, फर्स्ट पॉइंट सेम, सेकेंड पॉइंट मेक इट 90,000, थर्ड पॉइंट 40,000 है मेक इट 45,000, फोर्थ पॉइंट 3,000 का कर दो 4,000, 5% कर दो 10%, फिफ्थ पॉइंट वैल्यू ऑफ स्टॉक इज शोन इन द बुक्स एट रुपी 1,000 मेक इट 2,000, सिक्स पॉइंट मेक इट 8,000, 7 point make it 15,000. Hope so कि सम आपको भी क्लियर हो चुका, आप इजी टैली यहाँ पे कर सकेंगे इस पर्टिकुलर सम को, यहाँ पे ट्राई करना हो जाएगा मोस्ट प्रोबेबली तो आपसे, ठीक है। सो टिल दैट टाइम फॉर द वेरी नेक्स्ट लेक्चर ओके प्रिपेयर द कॉलम्स, योर करंट अकाउंट इज गिवन सो यू गॉट टू प्रिपेयर 5 accounts, रीवैल्यूएशन, पार्टनर्स करंट अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, कैश बैंक अकाउंट एंड बैलेंस शीट इवन,
Okay, so be ready with the columns for the next sum. That is question number 8. Okay, column ready होंगे तो आपको sum करने में भी मजा आएगा. So, have a nice day. Stay home, stay safe and keep learning. Thank you all for the cooperation and support.